नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। ग्राम पंचायत लुहैड़ी कबरई महोबा उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण ग्राउंड रिपोर्ट एवं आगामी लोकसभा चुनावी परिचर्चा को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण जनों एवं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री माता प्रसाद अहिरवार से वार्ता की गई तो ज्ञात हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की संलग्नता में सरकार की संचालित योजनाओं एवं शांति व्यवस्था से सभी जन संतुष्ट हैं। ग्राम पर विकासी कार्यों का सर्वेक्षण किया गया तो ज्ञात हुआ कि सीसी रोड निर्माण कार्य, पूरा घर निर्माण कार्य, शासकीय विद्यालयों में टाइल्सीकरण, भूसा घर, टीन से निर्माण कार्य, सफल वृक्षारोपण, नियमित मासिक बैठक, घर सफाई, तालाब खुदाई कार्य, गौशाला का आदर्शतापूर्ण संचालन, बंदी निर्माण कार्य मानक के अनुरूप करवाए गए हैं। आज भी गांव में शमशान घाट, खेल मैदान एवं बाराशाला निर्माण हेतु अत्यंत आवश्यकता है। ग्रामीणों एवं ग्राम प्रधान ने संयुक्त रूप से विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जन प्रतिनिधियों से उपायुक्त विकासी कार्यों को पूर्ण कराने की मांग की। इसके साथ साथ सरकार से विकासी कार्य कार्यान्वित कराने हेतु वित्तीय बजट पास करने की मांग की। कुछ दबंग अतिक्रमणधारी लोग विकासी कार्यों से अवरोध की स्थिति पैदा कर रहे हैं। शासन प्रशासन से इन अवरोधकों पर कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई कराने की मांग की। आज भी ग्राम पंचायत में किन विकास कार्यों की आवश्यकता है तो माता प्रसाद की सबसे पहले तो नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्वच्छता कार्यक्रम के तहत क्या विकास कार्य नियमित रूप से चल रहे हैं? आरआरसी यानी कूड़ा घर जो सेंटर बन रहा है वो उसका निर्माण हो रहा, जो उसका आप निर्माण करवा रहे हैं वो मानक के अनुरूप ही हो रहा? जी मानक के अनुरूप हो रहा जी। इसके साथ साथ जो गांव के लोगों की, कुछ लोगों की शिकायत है कि सफाई कर्मी महीनों नहीं आता, सफाई कार्य नहीं करता, क्या ऐसी कोई बात? सफाई भी अपनी पंचायत के हर दिन व्यवस्था चल रही है, हर दिन बंदा आ भी रहा है, रोस्टर बाई रोस्टर आप सफाई कार्य करवा रहे हैं जी। धन्यवाद। इसके साथ साथ पेयजल व्यवस्था को लेकर के गाँव की समुचित व्यवस्था है? समय समय पर आप जो टंकी है उनमें मरम्मत कार्य या जो हेडपंप है उनमें मरम्मत कार्य करवा रहे हैं? बिल्कुल जी। आज खराब हुआ, कल ही चालू जी। अभी तक आपका जो आरसी सेंटर बन रहा है, इसके साथ साथ जो आपके सरकारी विद्यालयों में है उनमें इंटरलॉकिंग हुई है, लगभग इंटरलॉकिंग कितने मीटर डल चुकी होगी सर? इंटरलॉक अपनी 170 मीटर ये यहाँ पंचायत रास्ते में हुई है जी जी, और 90 मीटर जी जी। सरकारी विद्यालयों में टाइल्सीकरण, टाइल्सीकरण हुआ जी जी। इसके साथ साथ और कोई पक्की विकासी कार्य जैसे पेयजल टंकी का निर्माण भी करवाया आपने? पेयजल टंकियों का निर्माण आपके ही कार्यकाल में हुआ? नहीं, हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है। हुआ ये पेयजल टंकी का निर्माण हुआ है तो ये सभी विकासी कार्य मानक के अनुरूप ही हुए हैं जी जी। धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो मनरेगा के तहत है, मनरेगा के तहत कौन कौन से विकासी कार्य हुए? मनरेगा से तो अभी सर कोई भी काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ जी। हाँ, हिलुआ में हुआ। हिलुआ में क्या कार्य हुआ? तालाब खुदवा। हाँ, तालाब खुदाई कार्य हुआ है। आज भी आपकी ग्राम पंचायत को तालाब खुदाई, बंदी निर्माण, संपर्क मार्ग निर्माण कार्य की आवश्यकता जी जी। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि सामुदायिक शौचालय का सफल संचालन चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, हो रहा है, नियमित रूप से हो रहा है जी। धन्यवाद। और इसके साथ साथ जो आपका खेल का मैदान है या बरातशाला का निर्माण कार्य है या शमशान घाट निर्माण कार्य, ये कार्य अभी तक नहीं हुए, इसकी आपको शासन से मांग है कि इसके लिए वित्तीय बजट पास किया जाए। वृक्षारोपण हो चुका जी? हो चुका, सफल वृक्षारोपण जी। नियमित मासिक बैठक जो पंचायत घर में है वो होती है जी। समय समय पर घूरों की सफाई जी। तो धन्यवाद। में विभिन्न बिंदुओं पर वार्ता की, इसके पूर्व में ग्रामीणों से भी वार्ता की तो कुछ लोग, अधिकांशतः लोग ग्राम प्रधान की कार्यशैली से एवं उनके विकासी कार्यों से संतुष्ट है। कुछ लोग आपसी बेमनस्ता और विरोधाभास की स्थिति के कारण एक विरोधाभास की स्थिति बनाए हुए हैं, जबकि मैंने धरातल पर जाकर के विकासी कार्यों को देखा तो सभी विकासी कार्य शासन की मंशा के अनुरूप, मानक के अनुरूप संचालित हो रहे हैं। आज भी ग्राम पंचायत लोहड़ी में तालाब खुदाई, बंदी निर्माण, संपर्क मार्ग निर्माण, बरातशाला का निर्माण कार्य, खेल के मैदान का निर्माण कार्य और इसके साथ साथ शमशान घाट के निर्माण कार्य की अत्यंत आवश्यकता है। और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री माता प्रसाद अहिरवार जी ने विशेष रूप से, विशेष पुरजोर रूप से इन चीज़ों की मांग की तो मैं शासन से गुहार करूंगा कि अति शीघ्र इन विकासी कार्यों के लिए वित्तीय बजट आवंटित किया जाए। मैं वाई के द्विवेदी, चित्रकूट धाम मंडल ब्यूरो चीफ, कैमरामैन पी के रुद्रा के साथ नमस्कार। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।